हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी, कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाए। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। किसकी मृत्यु पर महादेवी? वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमलनयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया, हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं, उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन, मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है, वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध
आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए दो दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को दो छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलतापूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। सर्वप्रथम तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि सुन भी लें तो मानेंगे नहीं। हे कृपा निधान, दानवों को तो अमृत की आवश्यकता भी नहीं जिसके लिए वो हमसे सहयोग करें। उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ति है, उन्हें तो यूं भी मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु हे नारायण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें दानवों के पास सिर झुकाकर जाना होगा, उनसे सहयोग और सहायता की भिक्षा मांगनी होगी। क्या यह समस्त देवलोक का अपमान नहीं होगा? क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्ते लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए, तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा, उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारणहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर, आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र ही लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमलनयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ हाँ महादेवी, मैंने यही कहा
परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और ये छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों ना हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है, वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर, इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूँ देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता, बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। धरती से पुकार उठ रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है, मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा, देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है, उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहां से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूं, धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा, यह मेरा कूर्मावतार होगा। दूसरा अवतार मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा?
वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए ये देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय, और फिर ये वियोग इतना लंबा नहीं होगा, हम शीघ्र फिर मिलेंगे, और ये मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगी। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूँ। कैसा होगा अपना ये मिलन कमलनयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक है, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देवी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है, सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है, इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है, परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से?
ये तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा, जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं, यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा। वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। हे कमलनयन, हे पद्मनाभ, कहां हैं आप? मुझ फिरा की मारी पर कृपा कीजिए, मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं, मेरी आत्मा आपको पुकार रही है, दर्शन दीजिए भगवान। मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। महादेवी, कमलनयन। आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमलनयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी, परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है। देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमलनयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था। आपसे क्षणिक वियोग भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता। देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी यह विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं। आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी हैं, इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं इन नियमों को तोड़ नहीं सकता। देवी, धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है।
लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी पति की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी पति की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी पति की जय। स्वागत है सर्वेश्वर, स्वागत है माता, आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा, ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमलनयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी, एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है, तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव, यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं, धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र। आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं।